नमस्कार, आप देख रहे हैं SRSSC को यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश सिंह रावत, आपके साथ। मगध यूनिवर्सिटी के वैसे छात्र जिन्होंने अपना नामांकन 2016 से 19 के सत्र में लिया होगा, उन छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है, साथ ही एक खुशखबरी है, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी का जो पार्टनर का परीक्षा फॉर्म फिलअप करने का जो डेट था वो यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। यानी कि वैसे छात्र जिन्होंने अपना पार्टनर का परीक्षा फॉर्म किसी कारणवश नहीं फिलअप किया था, उन छात्रों के लिए एक मौका दिया जा रहा है फॉर्म अप्लाई करने को लेकर के। इस वीडियो में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाएंगे जिसके माध्यम से आप तक जानकारी पहुँचाया गया है। एक बड़ी खबर आप सभी के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि अगर किसी भी छात्र का परीक्षा फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया होगा तो वे छात्र अपना परीक्षा फॉर्म फिलअप करके फिर पाठ्यक्रम परीक्षा में शामिल हो सके। आपको बता देना चाहते हैं, पाठ्यक्रम परीक्षा डेट को लेकर के अभी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। हालांकि इससे पहले जो 7 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि हम लोग 19 तारीख से परीक्षा लेने के प्लान में है और इसमें कोई बाधा ना आए, इसको लेकर के कॉलेजों को एक नोटिस जारी किया गया था कि आप जल्द से जल्द परीक्षा फॉर्म सभी का फिलअप करवा करके विश्वविद्यालय में जमा कीजिए। तो अभी डेट लेकर के कोई कंफर्मेशन नहीं जारी किया गया। जैसे परीक्षा का डेट को लेकर के जानकारी आएगा हम आपको सबसे पहले वीडियो बना के प्रोवाइड कराएंगे और अपने वेबसाइट ASRResult.com पे आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया इसलिए आप सभी भ्रमित नहीं होइएगा, लेकिन अभी तक का जो न्यूज़ है वो आपका सिर्फ यही कि आपका जो परीक्षा होगा वो आपका 19 सितंबर से होगा, ये मगध यूनिवर्सिटी ने कहा था और इसका लास्ट अपडेट था 7 सितंबर। अब आगे कुछ बदलाव होगा तो वो भी आपको हम बताएंगे वीडियो के माध्यम से, जानकारी आप तक पूरे पल पल की खबर पहुँचाएंगे। तो सबसे पहली बात कि वैसे छात्र जिन्होंने अपना परीक्षा फॉर्म किसी कारण से नहीं फिलअप किया है, उन छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है कि उनको दोबारा मौका दिया जा रहा है परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर के। क्लियरली आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन थोड़ी देर पहले मगध यूनिवर्सिटी ने जारी किया है और आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ये डेट भी दिख रहा होगा 9/9/2019 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और क्या कुछ लिखा गया इसके माध्यम से आप तक जानकारी जो पहुँचाएगा उसको हम आपको प्रोवाइड कराते हैं पढ़ करके। सेवा में सभी प्रधानाचार्य महोदय अंगीभूत एवं सम्मानता प्राप्त महाविद्यालय स्नातक तृतीय खंड परीक्षा 2019 के लिए परीक्षा प्रपत्र यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने को लेकर के एवं शुल्क जमा करने को लेकर के ये अपन नोटिफिकेशन जारी किया गया। उन महाविद्यालय एवं जो भी एफिलेटेड है या फिर वैसे कॉलेज जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है उनको लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपका किसी कारणवश परीक्षा फॉर्म आपके छात्र का छूट गया है तो छात्र हित में भविष्य में जो छात्रों के भविष्य की चिंता करते हुए जो कदम उठाया गया है वो ये उठाया गया है कि इसका जो डेट है उसको एक्सटेंड करते हुए 11 तारीख कर दिया गया। यानी कि 11 तारीख को 4 बजे शाम तक आप जमा कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि एक और अपडेट दिया गया, वो ये अपडेट दिया गया कि आप 1000 विलम्ब शुल्क के साथ जमा कीजिएगा, यानी कि जो आपका शुल्क होगा उसमें आपको 1000 रुपया अधिक देना पड़ेगा और ये आपका अंतिम है। आपको बता देना चाहते हैं इसके बाद आपका कोई भी डेट नहीं आने वाला है। तो अगर आपका छूट गया है या फिर आपके दोस्तों का छूट गया या फिर आपका नहीं छूटा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जिसका भी छूटा होगा उनके पास ये जानकारी चला जाए, वो जल्द से जल्द अपना अप्लाई कर सके और ताकि जो परीक्षा हो उसमें वो शामिल हो सके। तो यानी कि 1000 डेट आप 1000 जो आपका जो शुल्क है वो विलम्ब शुल्क आपका लिया जा रहा है, उसका जो डेट 11 तारीख को यहाँ पे शाम 4 बजे से पहले पहले जमा कर लेना है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 10 तारीख को अवकाश है यानी कि छुट्टी है, लेकिन फिर भी छात्र हित में ध्यान रखते हुए 10 तारीख को भी आपको कार्य करना है। आपको बता देना चाहते हैं इसमें साफ साफ लिखा गया है कि चेक और ड्राफ्ट जिसके माध्यम से पैसा यूनिवर्सिटी लेती थी तो ये यहाँ पे एक दिन में चेक और ड्राफ्ट अवकाश होने के कारण नहीं मिल पाएगा, इसलिए साफ साफ बोला गया कि आप यहाँ पे डायरेक्टली अपना शुल्क भी जमा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ड्राफ्ट और चेक यहाँ पे जमा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि ड्राफ्ट और चेक बाध्यता नहीं रहेगी इसको लेकर के, ठीक है। तो सब कुछ साफ साफ लिखा गया, उसके बाद बोला गया कि किसी भी प्रकार से स्थिति में अगर आप इस स्टेट में आप नहीं जमा करते हैं तो फिर आपके लिए कभी भी आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा जो आपका जो परीक्षा पत्र रहेगा, ठीक है। तो जल्दबाजी कर रही है यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हैं फेस्टिवल में भी काम कर रही है यूनिवर्सिटी, तो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा को लेकर के चिंतित दिख रही है मगध यूनिवर्सिटी और संभावनाएं यही जताई जा रही है कि आपका परीक्षा 19 सितंबर से हो, लेकिन जो 7 सितंबर का था वो लास्ट अपडेट कि 19 तारीख से हम लोगों को परीक्षा लेना है और उसको लेकर के सभी को निर्देश दिया गया था। जैसे इसका कोई ऑफिशियली डेट शीट आ जाएगा वो आपको सबसे पहले वीडियो बना के हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं उन छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है जिसका पाठ्यक्रम का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं
फिलअप हुआ होगा, किसी कारण से छूट गया होगा, तो 1000 विलंब शुल्क के साथ आप अपने कॉलेज से संपर्क करके अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। एक बड़ी खबर है आप सभी के लिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। 2 दिनों का टाइम दिया गया है, 2 दिनों के अंतर्गत अगर किसी भी छात्र का छूटा होगा तो वो फिर यहाँ पर अप्लाई करके अपने परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जानकारी जो आप तक पहुँचाया गया है वो सभी छात्रों तक चला जाए, जिसका भी छूटा हुआ होगा उन तक भी ये चला जाए। क्योंकि काफ़ी सारे छात्र ये परेशान हो रहे थे कि हमारा छूट गया तो हमारा अब क्या होगा। तो जो भी अपडेट होता है हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक बड़ी खबर आप सभी के लिए जिसको मैंने प्रोवाइड कराया है। अगर आप इसको चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप हमारे ऑफिशियली वेबसाइट asrresult.com गूगल पे सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। asrresult आपको सिंपली लिखना है और डॉट और उसके बाद यहाँ पर आपको कॉम लगा करके सर्च कर देना है। ये हमारा ऑफिशियली वेबसाइट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे सभी जगह फॉलो कर लीजिए, जबकि जो भी आपका सवाल होता है वहाँ पे आपको जवाब दे देंगे। क्योंकि व्हाट्सअप पे सभी को मैसेज का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, सभी का कमेंट में रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप हमें जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए। और बहुत ही चीज़ें अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको लाने वाले अपने चैनल पर। बिहार पुलिस की तैयारी कराई जाएगी, आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ पूरे लास्ट तक। आपने इस वीडियो को अगर देखा है तो आप नीचे एक बार कमेंट कीजिएगा #ASRSSCGuru, आपको सिंपली सर्च करना है #ASRSSCGuru। जब हमें पता चल पाएगा कि कितने लोग हमारे वीडियो को प्रॉपर वे में देखते हैं, जो लोग लगातार लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं, और अगर उनका कुछ कमेंट आता है तो हम सबसे पहले उनका कमेंट को यहाँ पे रिप्लाई करते हैं। तो इसलिए आप देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना देर तक लास्ट तक इस वीडियो को देखे थे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा #ASRSSCGuru। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।